नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति के सानिध्य में वन संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर एवं स्नातकोत्तर द्रव्य गुण विज्ञान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जैव विविधता एवं औषधीय पादप विषय पर कार्यशाला के अंतर्गत वैज्ञानिक व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति ने सेमिनार हॉल में उपस्थित छात्र छात्राओं एवं संकाय सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि जैव विविधता के संरक्षण के अभाव में कई जीवनदायी औषधियां विलुप्त हो गई या विलुप्त होने की कगार पर है। हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए प्रकृति द्वारा प्रदत्त औषधियों का संरक्षण करना चाहिए। इस हेतु प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण करना, उचित प्रबंधन, विलुप्त हो रही औषधियों के बारे में अनुसंधान कर जागरूकता बढ़ाना, स्थानीय समुदायों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक सत्र के मुख्य वक्ता संभागीय मुख्य वन संरक्षक एवं IFS श्रीमान आर के जैन ने जैव विविधता में औषधीय पादपों के महत्व को बताते हुए कहा कि जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का मौलिक घटक है। ये विविधता जीवन की संरचना और संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। Ayurveda specialist of the university and college, dear students and to be doctors, of course my colleague Deepak Gupta ji, jinke prayas se ye samanvay se ye karyashala aaj ayojit hui hai, aur vishay itna jwalant hai ki ye aam aadmi ke liye bhi utna hi mahatvapurna hai jitna hum